नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सीलिंग फ़ैन के तीन तार का कॉमन कनेक्शन कैसे करें और कैसे पता करें कि पंखा सीधा चलेगा या उल्टा चलेगा। जी हाँ दोस्तों, रिवाइंडिंग के बाद सीलिंग फ़ैन में चार तार निकलते हैं, दो रनिंग के, दो स्टार्टिंग के। लेकिन कई सारे भाइयों को ये कन्फ्यूजन होता है कि यार, हम कनेक्शन तो कर दें, कॉमन तो बना दें, लेकिन पंखा उल्टा चला तो उनके मन में सवाल रहता है, डर रहता है। तो उसी का सोल्यूशन पे ये वीडियो, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें। देखिए दोस्तों, इसका बहुत ही सिंपल सा एक सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। पंखे के अंदर आपको अगर पता करना है कनेक्शन करने से पहले कि उल्टा चलेगा, सीधा चलेगा, किस तरफ चलेगा, तो उसका सबसे अच्छा एक उपाय है। देखिए, चार तार होते हैं पंखे के अंदर, दो स्टार्टिंग के, दो रनिंग के। तो आपको करना क्या है, एक स्टार्टिंग का, कोई एक स्टार्टिंग का, कोई एक रनिंग का आपस में ले ले। तो मैं ये एक स्टार्टिंग का ले लेता हूँ, ये एक रनिंग का ले लेता हूँ, इनको आपस में जोड़कर कॉमन कर ले कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ठीक है। तो हमने एक कॉमन बना दिया है। अब बाकी बचे दो तार, जो कि एक स्टार्टिंग का, एक रनिंग का है, इसमें आप कैपेसिटर लगा ले 3.15 का। ठीक है दोस्तों, इसमें हम कैपेसिटर लगा लेते हैं। अब क्या करना है कि दो तार ले ले, तो मैं यहाँ पे दो तारे ले रहा हूँ। एक तो जो हमने कॉमन बनाया उसमें जोड़ ले। ठीक है, तो हमने रेड जो कॉमन बनाया था, एक रनिंग और स्टार्टिंग का, उसमें हमने जोड़ लिया है। और जो दूसरा वायर जो है दोस्तों, वो जो रनिंग वाला एक तार है जो कैपेसिटर से जुड़ा है, ये वाला, ठीक है, जो कैपेसिटर से जुड़ा है ये वाला, इसमें जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। एक रनिंग का तार ले लेना है, एक स्टार्टिंग का तार ले लेना है, इसको कॉमन बना के एक तार जोड़ दिया है, और कैपेसिटर एक स्टार्टिंग के तार में लगा दिया है, दूसरा एक रनिंग के तार में लगा दिया है, और दो तार जोड़ लेने हैं, एक कॉमन में जो कॉमन बनाया है और एक रनिंग वाले में। अब इसमें हम क्या करेंगे, वोल्टेज देंगे। तो इसको पता कैसे करना है, उसके लिए क्या करना है, इस तरह से देखिए, एक मेरे पास एक बारीक पेचकस है, उसमें मैंने नीचे एक तार बांध दिया है ऐसे, और उसके अंदर एक ब्लेड डाल दी है, नॉर्मल ब्लेड, और ये ब्लेड देखिए ऐसे उंगली से घूम रही है। तो इससे हम पता करेंगे। तो पता करने कैसे पता करेंगे, जब इसमें चुंबक बनेगी तो ब्लेड घूमेगी, तो अब इसमें वोल्टेज हम देते हैं। तो इस पलक के माध्यम से हम इसमें वोल्टेज देते हैं पंखे के अंदर। तो हम इन दोनों तारों को इसमें लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम इस ब्लेड को इसके पास लेके जाते हैं। तो इसमें हम करंट देंगे अच्छे से तारों को छील के। तो दोस्तों, मैंने इसमें करंट लगा दिया। अब देखिए, मैं इस ब्लेड को इसके पास लेके जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि ब्लेड जो है वो घूमने लगेगी, थोड़ी सी अटक रही है। तो देखिए, हमारी ब्लेड चल पड़ी है। तो आप गौर से देख रहे हैं ब्लेड किस तरफ घूम रही है। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, ब्लेड जैसे घड़ी चलती है, क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। हम इस तारों को हटा देते हैं। तो दोस्तों, हमारी ब्लेड इस तरह घूम रही थी, क्लॉकवाइज घूम रही थी ऐसे। तो इसका मतलब है, ब्लेड अगर ऐसे घूम रही, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा जो स्टेटर है, जो सापट है, वो इस तरफ चलेगी, सापट इस तरफ चलेगी, राइट, सापट, पंखा नहीं। लेकिन पंखा क्या है कि पंखा जो उसका ब्लेड है वो इस तरफ चलेगा, ठीक है, रोटर जो इसका होता है वो इस तरफ घूमेगा। तो हमारा पंखा यानी कि इस तरफ चलेगा, ठीक है। तो ये इसको मतलब इस तरफ चलेगा हमारा पंखा, ये है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर पंखा इस तरफ चला, तो हमारी ये ब्लेड है, आप देख सकते हैं ब्लेड में डिजाइन है, आप देखेंगे तो ये ब्लेड इस तरफ चलनी चाहिए, तब हवा मिलेगी। लेकिन हमारा पंखा क्या होगा, अगर इस तरफ चलेगा तो हवा ये नहीं देगा, यानी कि हमारा पंखा अब उल्टा है। इससे हम समझ सकते हैं कि पंखा उल्टा चलेगा या उल्टा। तो अब हमारा पंखा उल्टा है,
तो हमको अब एक ही काम करना है इसको सुलटा करने के लिए, जो रनिंग रनिंग की तारें हैं उनको आपस में बदल देना है, या स्टार्टिंग स्टार्टिंग की तारों को आपस में बदल देना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे कि जो स्टार्टिंग की तारें हैं उसको आपस में बदलते हैं। तो ये स्टार्टिंग का था, ठीक है, ये स्टार्टिंग का था, तो इसकी जगह हम ये वाला लगा देंगे और कॉमन बना देंगे। तो दोस्तों इसको सुलटा करने के लिए क्या करना है हमें, कि पहले हमने पता है क्या किया था, हमने क्या किया था, सभी तारों को देखिए अलग कर दिया है, आपको अच्छे समझ में आए। पहले हमने क्या किया था कि ये वाला हमने इस ये वाला रनिंग का तार लिया था, ये वाला स्टार्टिंग का लिया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि ये स्टार्टिंग का ना लेकर ये वाला स्टार्टिंग का लेंगे और कॉमन इसको बना लेंगे। ठीक है, इसको हम कॉमन बनाएंगे और यहाँ पर हम कैपेसिटर का तार लगाएंगे स्टार्टिंग और रनिंग में। तो मतलब कि उल्टा कर देना है, ठीक है, और अब इसमें वोल्टेज देके चेक करेंगे तो हमारा पंखा क्या है दूसरी तरफ चलेगा। तो हम करंट किस में देंगे, रनिंग में देंगे, एक कॉमन में एक रनिंग वाले तार में। तो अब इसमें वोल्टेज देख के टेस्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें वोल्टेज हमने दे दिया है और अब ब्लेड हम देखेंगे घुमाकर इसमें, थोड़ा सा इसको सीधा करना पड़ेगा। तो देखेंगे ये घूम गया है, अब ये इस तरफ घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, ठीक है, इस तरफ घूम रहा है, एंटी क्लॉक घूम रहा है, एंटी क्लॉक घूम रही है ब्लेड। तो इसका मतलब कि हमारी मोटर इस तरफ चलेगी और इस तरफ चलेगी तो ब्लेड का डिजाइन इस तरफ ये चलेगी पंखड़ी ब्लेड और हवा देगा। तो ये कनेक्शन अब सुलटे हैं। इस तरह से आप किसी भी पंखे का या किसी भी तरह की मोटर है मोटर का पता कर सकते हैं कि कनेक्शन से पहले कॉमन अगर निकाल रहे हैं तो कि सुलटा चलेगा या उल्टा चलेगा। बहुत आसान सिंपल तरीका है, काफ़ी सिंपल तरीका दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। हमारा एप्लीकेशन, हमारे चैनल का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और हमारे वेबसाइट पर जाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारे सेकंड चैनल रावजी इलेक्ट्रिकल पे जाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो विजिट करिए और बेहतर जानकारी पाइए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।